उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आई हूँ मैं दिल्ली दरवाज़ा, तो आज आपको दिल्ली दरवाज़ा लाहौर का विज़िट करवाने लगी हूँ। इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताया जाएगा इस व्लॉग के अंदर कि दिल्ली दरवाज़ा कहाँ वाकिया है और इसे दिल्ली दरवाज़ा क्यों कहा जाता है। ये लाहौर के 13 दरवाज़ों में से कदीम खूबसूरत एक दरवाज़ा है। तो चले जानते हैं इस दरवाज़े के बारे में। जैसे कि हम सबको ही पता है कि दिल्ली दरवाज़ा लाहौर पाकिस्तान के सूबे पंजाब में लाहौर के मुकाम पर वाकिया है और ये दरवाज़ा कदीम ज़माने में मुगलिया दौर की हुकूमत में तमीर किया गया था और इसी को हम अंदरून लाहौर भी कहते हैं। यहाँ पे अकबरी मंडी, जो मसालों की काफ़ी बड़ी मंडी है, वो भी यहाँ वाकिया है। ये दरवाज़ा जो है ये लाहौर के अंदरून शहर में वाकिया 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा है। ये लाहौर शहर का कदीम तरीन इलाका है। जैसा कि आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रोड साइड बैनर जो उन्होंने लगाया है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे मस्जिद वज़ीर ख़ान भी वाकिया है और यहाँ पे मशहूर अकबरी मंडी भी यहाँ पे ही वाकिया है, जहाँ से आप लोग डिफरेंट मसाले जो हैं हम लोग यहाँ से ख़रीदो फरोख्त करते हैं। यह इलाका तारीखी लिहाज से इंतहाई अहम है और यहाँ कई यादगार हवेलियाँ और कदीम बाज़ार वाकिया है। इस दरवाज़े की तमीर मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में हुई थी। इन दरवाज़ों का मकसद दुश्मनों के हमलों से बचाव था। ये दरवाज़ा पता नहीं उस ज़माने में दुश्मनों के हमलों से बचा सका था कि नहीं, लेकिन इस ज़माने में ये बहुत खूबसूरत हमारे लिए यादगार के तौर पर मौजूद है। यहाँ पे मैं इस टाइम सुबह के टाइम पर आई हूँ और मुझे यहाँ पे रश नहीं मिला। अगर आप लोग इस बाज़ार का विज़िट करना चाहते हैं, इस एरिया का विज़िट करना चाहते हैं, तो एक मशवरा दूंगी कि आप लोग सुबह के टाइम पर आएँ और इस बाज़ार को, एक खूबसूरत इलाके को आप लोग अपनी आंखों से सुबह के वक्त देखें जहाँ रश नहीं होता। इसीलिए आज हम लोग बाइक पर आए हैं ताकि हम लोग को इजीली यहाँ पे पार्किंग भी मिल जाए और यहाँ का हम लोग इजीली विज़िट भी कर सकें। तो गाड़ी पर आना मुश्किल है मेरे लिहाज से यहाँ पर, और यहाँ पे पार्किंग करनी जो है गाड़ी की वो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। गाड़ी आप यहाँ पे क्यों नहीं ला सकते, यहाँ पे बहुत बड़ी वजह है कि आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो आगे आप वीडियो में ज़रूर देखेंगे। यहाँ के कदीम घर और कदीम इमारतें मुझे मुगलिया दौर की याद दिला रहे हैं। अगर आपने यहाँ का बाज़ार की दुकानों का डिटेल में विज़िट करना हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के लिए स्पेशल मैं इस बाज़ार में लोग ज़रूर बनाऊँगी। इस बाज़ार में आपको होलसेल रेट पर चीज़ें भी दस्तयाब होंगी। जैसे कि आप इस बाज़ार को देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर रेजिडेंस है और नीचे यहाँ पर शॉप्स हैं। इस बाज़ार में आपको बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ रेट पर चीज़ें भी दस्तयाब होंगी। जैसे कि आप इस बाज़ार को देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर रेजिडेंस है और नीचे यहाँ पे शॉप्स हैं। इस बाज़ार में आपको बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल होंगी, जिसमें आपको परचून की चीज़ें भी मिल जाएंगी, आपको फैंसी वैरायटी भी मिल जाएंगी, आपको शॉल्स भी मिल जाएंगी और ज्वेलरी वगैरह की चीज़ें भी यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। इन शॉर्ट आपको यहाँ से हर वो चीज़ मिल जाएगी जो कि एक अच्छे बाज़ार में मौजूद होती हैं। और आई थिंक इस बाज़ार के रेट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे और यहाँ पे आई थिंक नॉर्मल रेट्स पे आपको चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। ये आपकी बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं और किस तरह का आप लोग अपने लिहाज से रेट बनवा सकते हैं। तो जी, दिल्ली दरवाज़ा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा है, तो यहाँ पे आके दिल्ली दरवाज़ा का जो है वो एंड होता है। और जब हम इस दिल्ली दरवाज़े के बाज़ार से बाहर निकलते हैं तो सामने हमें खूबसूरत हमारी कदीम मस्जिद देखने को मिलती है, मस्जिद वज़ीर ख़ान। और मैं ये बताना भूल ही गई कि इस दरवाज़े को हम दिल्ली दरवाज़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दरवाज़े का जो रुख है वो भारत के शहर दिल्ली के जानिब वाक़िया है, तो इसीलिए इसका जो नाम है वो दिल्ली दरवाज़ा रखा गया है। ये मस्जिद नक्शोनिगार में कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। ये मस्जिद मुगलिया दौर के गवर्नर आलमुद्दीन अंसारी, जो के वहाँ के नवाब वज़ीर ख़ान थे, उन्हीं के नाम पर ये मस्जिद मंसूब है। इसमें कोई शक नहीं कि ये मस्जिद जो है वो अंदर से बहुत खूबसूरत बनी हुई है। इसका मैं आपके साथ व्लॉग नहीं शेयर कर सकी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ इस मस्जिद का आपको डिटेल में व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसी रास्ते से होते हुए कि पाकिस्तान की जो काफ़ी मशहूर आज़म मार्केट है, जो कि कपड़ों के लिहाज से काफ़ी जानी जाती है, वो भी इसी रास्ते पर वाकिया है।
जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को गाड़ी लाना क्यों मुश्किल काम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये कंस्ट्रक्शन जो है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने विज़िट करना है तो आप लोग, मैं यही आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग बाइक पर आएँ और अर्ली टाइम पर आएँ, ताकि आप लोगों को कोई रश ना मिले। तो जी हाँ, यहाँ पर मेरा व्लॉग होता जाता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आज के व्लॉग से आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको डिटेल में मेरा व्लॉग देखना है इस बाज़ार के बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।